वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका सो आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास ट्वेल्व पॉलिटिकल साइंस बुक का सेकंड चैप्टर दैट इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं सो so, आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एंड ये वीडियो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है सो so, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस किया था सो इस टॉपिक में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमारे नेशन बिल्डिंग का जो सेकेंड चैलेंज था दैट वॉज टू स्टेबलाइज डेमोक्रेसी सो फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने सेकेंड चैलेंज के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे कंट्री में किस तरीके से डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया जाता है यानी कि हमारे कंट्री में किस तरीके से पहले जनरल इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है एंड डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करने में या फिर फर्स्ट जनरल इलेक्शन को कंडक्ट करने में हमारे लीडर्स को कौन से कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े सो so इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अपने फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया था सो एट द एंड हमने ये डिस्कस किया था कि सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए At the end 1952 में हमारे कंट्री में फर्स्ट जनरल इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है एंड फर्स्ट जनरल इलेक्शन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है सो so, ये सब कुछ हम लोगों ने अपने फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर लिया था नाउ इस चैप्टर का जो सेकेंड टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन सो so, इसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं सो so, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस यानी कि इस चैप्टर में हम लोग उस टाइम पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस टाइम पीरियड में एक ही पार्टी का डोमिनेंस हुआ करता था हमारी कंट्री में एंड वो पार्टी कौन सा पार्टी था सो दैट वॉज द कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया सो सेकेंड टॉपिक में हम लोग उसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि, कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी था उसका डोमिनेंस होता है फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन में सो बेसिकली हमारी कंट्री में 1952 से लेकर 1967 तक थ्री जनरल इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है सो so, शुरुआत के तीनों ही जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का ही रूल था कांग्रेस पार्टी ही, ही बार बार जीती हुई आ रही थी सो so, शुरुआत के तीन जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ही गवर्नमेंट को फॉर्म करता है नाइनटीन से लेकर नाइनटीन तक हमारी कंट्री में कांग्रेस पार्टी का ही डोमिनेंस होता है कांग्रेस पार्टी ही हमारी कंट्री को रूल करता है सो so नाउ अब हम लोग सेकेंड टॉपिक को डिटेल वे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट टॉपिक के लास्ट के लाइंस में हम लोगों ने ये पढ़ा कि फाइनली 1952 में हमारी कंट्री में फर्स्ट जनरल इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है सो नाउ सेकेंड टॉपिक के स्टार्टिंग में हमें फर्स्ट जनरल इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में ही बता रखा है नतीजे के बारे में ही बता रखा है कि आखिर फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कौन सा पार्टी जीतता है सो फर्स्ट जनरल इलेक्शन का जो रिजल्ट था सो so वो किसी के लिए भी सरप्राइजिंग नहीं था यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को ये पता था कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ही जीतने वाली है सो इसीलिए फर्स्ट जनरल इलेक्शन का जब रिजल्ट आता है सो so किसी भी इंडियन uh, सिटीजन के लिए ये एक सरप्राइजिंग बात नहीं था सो एज एक्सपेक्टेड यानी कि लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन किया था सो उसके अकॉर्डिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी ही फर्स्ट जनरल इलेक्शन को जीत जाता है सो so ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसको पॉपुलरली कांग्रेस पार्टी भी कहा जाता है सो कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं हमारा जो नेशनल मूवमेंट था सो so नेशनल मूवमेंट के लेगेसी को इनहेरिट किया था दैट मीन्स कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी इम्पॉर्टेंट मेंबर्स थे सो so वे सारे ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स कहीं ना कहीं जब हमारे कंट्री में नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहा था फ्रीडम के लिए इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट हो रहा था सो so मूवमेंट के टाइम पीरियड के दौरान हमारे कंट्री में जो भी इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे जो भी इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट लीडर थे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल राजेंद्र प्रसाद बी आर अम्बेडकर सो so ये सारे जितने भी लीडर्स थे जो कि हमारे इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट को हेड कर रहे थे सो so ये सारे ही लीडर्स कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स थे सो so, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने नेशनल मूवमेंट के लेगेसी को यानी कि विरासत को इनहेरिट किया था सो so, ये वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से जो कांग्रेस पार्टी है वो पहले जनरल इलेक्शन में जीत जाती है सो so, पहले से ही कांग्रेस पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे सो so, उन्होंने हमारे इंडिया में रहने वाले जितने भी सिटीजन है जितने भी पॉपुलेशन है सो so, उनके विश्वास को जीत लिया था हमारे इंडिया में जितने भी सिटीजन थे सो वे लोग इन सारे लीडर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे सो नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम पीरियड के दौरान ही ये सारे जो लीडर्स थे वे हमारे इंडियन सिटीज़न को आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट करते थे इंडियन सिटीजन को बताते थे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है एंड इवन जब हमारे कंट्री में इंटेरियम गवर्नमेंट को बनाया जाता है सो so उस गवर्नमेंट में भी यही सारे लीडर्स जो है वो लोग रूल कर रहे थे हमारी कंट्री को सो so, पहले से ही कहीं ना कहीं इन सारे लीडर्स ने हमारे इंडियन सिटीजन के आ, ट्रस्ट को जीत लिया था सो so, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्वाभाविक सी बात है कोई भी सरप्राइजिंग बात नहीं है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में इन्हीं सारे लीडर्स को जीतना था कांग्रेस पार्टी को ही जीतना था एंड इसके अलावा उस टाइम पीरियड के दौरान कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसा पार्टी था जिस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन पूरे कंट्री में स्प्रेड था दैट मीन्स कि उस टाइम पीरियड के दौरान कांग्रेस पार्टी ही सबसे मेजर पार्टी हुआ करता था दूसरा कोई ऐसा अपोजिशन पार्टी था ही नहीं जो कि इतना ज्यादा पॉपुलर था सो so, कांग्रेस पार्टी पहले से ही बहुत ज्यादा पॉपुलर था एंड पहले से ही कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन पूरे कंट्री में स्प्रेड था सो so, ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है जिसकी वजह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो शुरुआत के तीन जनरल इलेक्शन में मेजोरिटी के साथ जीतते हैं एंड जब जवाहरलाल नेहरू इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं सो so जवाहरलाल नेहरू के रूप में इस पार्टी को सबसे पॉपुलर एंड सबसे चैरिस्मैटिक चारेरिस्मैटिक का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होता है जो आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है सो so, जब जवाहरलाल नेहरू इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं सो so जवाहरलाल नेहरू के रूप में इस पार्टी को सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड से ज्यादा चारिस्मेटिक लीडर मिलता है इन इंडियन पॉलिटिक्स सो so, इलेक्शन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ही कांग्रेस पार्टी का कैंपेन करते हैं यानी कि कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते हैं आप कह सकते हैं कि एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं पूरे ही कंट्री में जवाहरलाल नेहरू पूरे ही कंट्री में टूर करते हैं पूरे ही कंट्री में ट्रैवल करते हैं लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को ही वोट दो कांग्रेस पार्टी आप लोगों के लिए अच्छी तरीके से काम करेगा सो जवाहरलाल नेहरू भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी शुरुआत के तीन जनरल इलेक्शन में जीतता है ना नेक्स्ट में लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था 1952 में सो उसके रिजल्ट के बारे में बता रखा है सो so, जब फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया सो so, सब लोगों ने ये तो एक्सपेक्ट किया ही था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जीतना है बट लोगों ने उस विक्ट्री के एक्सटेंट को एक्सपेक्ट नहीं किया था दैट मीन्स कि जो कांग्रेस पार्टी का विक्ट्री हुआ जो कांग्रेस पार्टी का जीत हुआ सो so उसका जो एक्सटेंट था यानी कि कांग्रेस पार्टी को कितना ज़्यादा सीट मिलेगा सो so वो जो एक्सटेंट था सो so वो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था सो so, जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है और जब लोगों को कांग्रेस पार्टी के विक्ट्री के एक्सटेंट के बारे में पता लगता है यानी कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे कंट्री में कितने सारे सीट्स को जीते थे सो so जब लोगों को ये पता चलता है देन ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जो फर्स्ट लोकसभा का इलेक्शन हुआ था सो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने 489 सीट्स में से 364 सीट्स को जीता था यानी कि लगभग 74 परसेंट सीट्स को कांग्रेस पार्टी ने ही जीता था एंड फिनिश वे अहेड ऑफ एनी अदर चैलेंजर यानी कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जो भी दूसरे अपोजिशन पार्टीज थे सो so दूसरे अपोजिशन पार्टीज़ ने लगभग कांग्रेस पार्टी ने जितने सीट्स को जीते थे सो so उसके आस में भी नहीं थे यानी कि अपोजिशन पार्टीज को आप कह सकते हैं कि लगभग टेन भी सीट्स नहीं मिला था ऐसा

आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी ज्यादा मेजोरिटी ऑफ सीट्स के साथ फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन को जीतती है एंड कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और भी दूसरे जितने भी अपोजिशन पार्टीज थे सो उन लोगों को इवन टेन सीट्स भी नहीं मिलता है सो so, ऐसा कुछ रिजल्ट आता है फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन का सो so, जैसे कि हमने फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन को कंडक्ट करवाया गया था सो so, उस टाइम पीरियड में लोकसभा इलेक्शन को भी कंडक्ट करवाया गया था साथ ही साथ स्टेट इलेक्शन को भी कंडक्ट करवाया गया था सो स्टेट इलेक्शंस वर हेल्ड विद द लोकसभा इलेक्शन यानी कि सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शन हुआ लोकसभा जो इलेक्शन हुआ सो लोकसभा इलेक्शन के साथ-साथ स्टेट इलेक्शन को भी कंडक्ट करवाया गया यानी कि स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है जो एमएलएज को चूज किया जाता है सो स्टेट असेंबली इलेक्शन को भी उसी टाइम पीरियड के दौरान किया जाता है यानी कि 1952 में ही किया जाता है सो so ना अगर हम लोग स्टेट इलेक्शन की रिजल्ट की बात करें तो स्टेट इलेक्शन में भी जो कांग्रेस पार्टी है उसको एक बहुत ही बड़ी जीत मिलती है एंड अगर हम लोग पार्टी के सीट्स की बात करें सो कांग्रेस पार्टी को लगभग हर एक स्टेट में मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिलता है जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिला सिमिलरली उसी तरीके से लगभग जितने भी स्टेट्स थे सो so हर एक स्टेट में कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिला एक्सेप्ट ट्रेवन कोर कोचिन जो कि आज के टाइम पीरियड में केरला का पार्ट है मद्रास एंड उड़ीसा सो so, इन तीनों स्टेट को छोड़ के लगभग कंट्री के सारे ही स्टेट में कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिला बट फाइनली इन सारे स्टेट्स में भी कांग्रेस पार्टी ही अपने गवर्नमेंट को फॉर्म करता है सो बेसिकली कोलेशन के द्वारा सो so, कोलूशन क्या होता है ये आप लोगों ने अपने प्रीवियस के क्लासेस में पढ़ा होगा सो so, कोल्यूशन का मतलब होता है गठबंधन करना सो so, जब किसी भी इलेक्शन में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलता है देन ऐसे सिचुएशन में दो या फिर दो से ज्यादा पार्टीज आपस में गठबंधन करता है यानी कि कोलेशन गवर्नमेंट को फॉर्म करता है वे लोग आपस में यूनाइट हो जाते हैं सो बेसिकली जो कांग्रेस पार्टी था वो कोलिशियन गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं इन तीनों स्टेट में सो so, वर्चुअली अगर आप देखेंगे देन पूरे ही कंट्री में कांग्रेस पार्टी का ही डोमिनेंस होता है कांग्रेस पार्टी का ही रूल होता है पूरे ही कंट्री में कांग्रेस पार्टी ही अपने गवर्नमेंट को फॉर्म करता है अपने सरकार को बनाता है इवन इन द सेंट्रल लेवल एज वेल एज इन द स्टेट लेवल सो लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी ऑफ सीट्स के साथ जीतती है साथ ही साथ जितने भी स्टेट इलेक्शन होते हैं सो so, तीन स्टेट को छोड़ कर लगभग सारे स्टेट इलेक्शन में स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन होता है सो so, सारे स्टेट असेंबली के इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी ऑफ सीट्स के साथ जीतती है सो द पार्टी रूल ऑल ओवर द कंट्री एट द नेशनल एंड एट द स्टेट लेवल सो एज आई सेट कांग्रेस पार्टी है वो पूरे ही कंट्री में रूल करता है नेशनल लेवल यानी कि सेंट्रल लेवल में भी और स्टेट लेवल में भी सो so इसीलिए टॉपिक का नाम रखा गया है द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन सो ये हमने पहले जनरल इलेक्शन की बात की सो सिमिलरली फर्स्ट जनरल इलेक्शन की तरह ही सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी का ही डोमिनेंस होता होता है सो so, इसीलिए टॉपिक का नाम रखा गया है द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन एंड एस एक्सपेक्टेड जवाहरलाल नेहरू को ही हमारे कंट्री का पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन सो ये हमने पहले जनरल इलेक्शन की बात कर ली ना नेक्स्ट हम इस एंड थर्ड जनरल इलेक्शन के बारे में बता रखा है सो हमारे कंट्री में जो सेकंड जनरल इलेक्शन होता है वो होता है 1957 में एंड हमारी कंट्री में जो थर्ड जनरल इलेक्शन होता है वो होता है 1962 में सो so, हमारी कंट्री में जब सेकंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन को किया जाता है 1957 एंड 1962 में सो कांग्रेस पार्टी अपने सेम पोजीशन को ही मेंटेन करके रखता है लोकसभा इलेक्शन में बाई विनिंग थ्री फोर्थ ऑफ द सीट यानी कि लगभग हर चार में से तीसरे सीट को कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर्स कांग्रेस पार्टी के ही कैंडिडेट जीत रहे थे यानी कि लोकसभा इलेक्शन में लगभग 75 परसेंट जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी ही जीत रहा था इवन इन द सेकंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन एंड अगर हम लोग कांग्रेस पार्टी को दूसरे अपोजिशन पार्टी से कंपेयर करें इन द सेकंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन सो सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी जितनी सारी सीट्स को जीत रही थी जितने सारे सीट्स को सिक्योर कर रही थी सो so उसके कंपैरिजन में दूसरे जितने भी अपोजिशन पार्टीज थे सो वे लोग इवन वन टेंथ नंबर ऑफ सीट्स को भी नहीं जीत पा रही थी यानी कि लगभग टेन परसेंट सीट्स को भी नहीं जीत पा रही थी सो कांग्रेस पार्टी को सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन में भी मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिलता है मेजोरिटी ऑफ सीट्स के साथ कांग्रेस पार्टी सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन को भी जीत जाता है सो so ये हमने लोकसभा इलेक्शन की बात की बट अगर हम लोग सेकेंड एंड थर्ड स्टेट असेंबली इलेक्शन की बात करें सो स्टेट असेंबली इलेक्शन में कुछ कुछ ऐसे स्टेट थे जिन सारे स्टेट में कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता है कुछ कुछ ऐसे केसेस थे जिन सारे केसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि कांग्रेस पार्टी को उन सारे स्टेट में मेजोरिटी नहीं मिलता है मेजोरिटी ऑफ सीट नहीं मिलता है एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो है इन केरला इन नाइनटीन सो जब केरला स्टेट में नाइन्टीन में स्टेट असेंबली इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता

सो so, इसको छोड़ के सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी पूरे ही नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है यानी कि अगर हम केरला का केस छोड़ दें देन सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी का ही वर्चुअली पूरे ही कंट्री में डोमिनेंस होता है सो दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस यानी कि इस चैप्टर में हम उस टाइम पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं जिस टाइम पीरियड में एक ही पार्टी का यानी कि कांग्रेस पार्टी का ही डोमिनेंस हुआ करता था नाउ नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग मैप के थ्रू भी कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस को समझ लेते हैं इन द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन यानी कि 1952 से लेकर 1967 तक हमारी कंट्री में कांग्रेस पार्टी का ही डोमिनेंस होता है सो so, जैसे कि आप इस मैप में क्लियरली देख सकते हो सो so, इस मैप में आपको जितने भी स्टेट्स दिख रहे हैं जो कि येलो कलर से मार्क किया गया है सो so, इन सारी स्टेट्स के ऊपर कांग्रेस पार्टी का ही रूल हुआ करता था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ नाइनटीन टू टू नाइनटीन एक्सेप्ट so जो सीपीआई पार्टी ऑफ इंडिया सो उन्होंने जो कोलिशियन गवर्नमेंट को फॉर्म किया था सो so उसी को डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट कहा गया है सो नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन से लेकर नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन यानी कि सिर्फ और सिर्फ दो साल ही केरला में डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट रूल करता है एंड यहाँ पे आप जो ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हो दैट एंड कश्मीर सो जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रूल करता है सो जम्मू एंड कश्मीर का जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बट अगर आप ओवरऑल दूसरे स्टेट की बात करते हो सो so सारे ही स्टेट में कांग्रेस पार्टी का ही डोमिनेंस होता है तीनों ही जनरल इलेक्शन में सो कांग्रेस पार्टी वर्चुअली पूरे ही कंट्री में रूल करता है कांग्रेस पार्टी का ही पूरे ही कंट्री में डोमनेंस था पूरे ही कंट्री में कंट्रोल था सो so इस मैप में हमें तीनों ही जनरल इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में भी बता रखा है सो so पहला जनरल इलेक्शन जो की नाइन 1952 में होता है सो so फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में 489 सीट में से, पार्टी को थ्रीडिक so सिर्फ और सिर्फ सिक्सटीन सीट्स सी मिलता है एंड इसके अलावा दूसरे जितने भी अपोजिशन पार्टीज है सो so सारी अपोजिशन पार्टीज को बहुत ही कम सीट मिलता है नाउ अगर हम लोग सेकंड जनरल इलेक्शन के रिजल्ट को देखें जो 1957 में होता है सो so लोकसभा इलेक्शन में 494 सीट्स में से कांग्रेस पार्टी 371 सीट्स को सिक्योर करता है यानी कि लगभग 75 परसेंट सीट्स को सिक्योर करता है एंड सेकंड जनरल इलेक्शन में सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 27 सीट्स को सिक्योर करता है एंड एट द लास्ट अगर हम लोग थर्ड जनरल इलेक्शन के रिजल्ट की बात करें जो कि नाइनटीन में हुआ था सो टोटल फोर हंड्रेड सीट्स में से थर्ड जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी थ्री सीट्स को सिक्योर करती है यानी कि लगभग सेवेंटी ऑफ सीट्स को सिक्योर करती है

बट ऐसा नहीं है सो नेक्स्ट पॉइंट में हम इसी रीजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट्स तो बहुत ज्यादा कम मिल रहे थे बट वोट्स कम मिलने के बावजूद भी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी ऑफ सीट्स को सिक्योर करती है इन द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन सो नेक्स्ट पॉइंट में हम उसी रीजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं सो नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर सो so नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रीजन फॉर लार्ज एक्सटेंड विक्ट्री यानी कि नाउ नेक्स्ट हमें यह बता रखा है कि क्या वो रीजन था जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को लार्ज एक्सटेंड विक्ट्री मिल रहा था यानी कि जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी इतने सारे सीट्स को जीत रही थी हर एक इलेक्शन में लगभग सेवेंटी ऑफ सीट्स को जीत रही थी सो so, इसके पीछे का क्या रीजन था सो द एक्सटेंट विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस वॉज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाय आवर इलेक्ट्रोल सिस्टम यानी कि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है यानी कि जिस तरीके से हमारे कंट्री में इलेक्शन को करवाया जाता है लोकसभा इलेक्शन को जिस सिस्टम के द्वारा करवाया जाता है सो इलेक्टोरल सिस्टम की वजह से ही कांग्रेस पार्टी को शुरुआत की तीनों जनरल इलेक्शन में लार्ज एक्सटेंट विक्ट्री मिला सो so, इस चीज़ को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सो so, सबसे पहले हम लोग कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं सो so, शुरुआत के तीनों ही जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी हर चार सीट में से तीन सीट को जीत रहा था यानी कि थ्री फोर्थ ऑफ जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी ही जीत रहा था सेवेंटी फाइव परसेंट जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी ही जीत रहा था बट जब हम लोग वोट्स की बात करते हैं देन कांग्रेस पार्टी को इवन हाफ ऑफ द वोट्स भी नहीं मिलता है सो अगेन इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नाइनटीन में जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था सो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ फोर्टी फाइव परसेंट ही टोटल वोट मिला था बट अगर हम लोग सीट्स की बात करें देन फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी सेवेंटी फोर सीट्स को जीतती है कांग्रेस पार्टी को सेवेंटी फोर परसेंट सीट मिलता है यानी कि लगभग थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर सीट्स मिलता है आउट ऑफ फोर हंड्रेड एंड एट्टी नाइन सीट सो नाउ अब आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा की ये कैसे पॉसिबल है फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ फोर्टी फाइव परसेंट ही वोट मिला यानी कि इवन हाफ ऑफ द वोट भी नहीं

सो आई नो कि अभी आप लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा दैट हाउ डिड दिस ये कैसे हुआ सो नाउ नेक्स्ट हम लोग इसी के रीजन के बारे में जानेंगे इसी के सोल्यूशन के बारे में जानेंगे सो so, बेसिकली हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम था सो इलेक्टोरल सिस्टम की वजह से ही ये सब कुछ हुआ सो so, हमारी कंट्री में लोकसभा इलेक्शन के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट मैथड या फिर सिस्टम को फॉलो किया जाता है सो so, इस सिस्टम के बारे में आप लोगों ने अपने क्लास इलेवन का जो पॉलिटिकल साइंस का बुक था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क सो उस बुक में आप लोगों ने फर्स्ट पास द पोस्ट के बारे में पढ़ा होगा सो so, हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इस मेथड को भूल गए हैं सो so, इसी लिए अभी मैं आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से एग्जांपल के साथ इस मेथड को एक्सप्लेन करूंगी सो so, इसके थ्रू आपको ये मेथड भी समझ में आ जाएगा साथ ही साथ इस टॉपिक में दूसरे जितने भी लाइन्स है सो so उन सारे लाइन्स को समझने में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा सो so, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है एंड इस पर्टिकुलर एरिया में ऐसे हंड्रेड पीपल है ऐसे हंड्रेड सिटीजन है जो कि वोट दे सकते हैं सो so, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर एरिया में इलेक्शन हो रहा है सो so, इलेक्शन के लिए इन तीनों ही पार्टी से एक एक जो कैंडिडेट है वो नॉमिनेट हुआ है सो so, पहला पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी दूसरा पार्टी है सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड तीसरा पार्टी है एसपी यानी कि सोशलिस्ट पार्टी सो मान लीजिए कि जब इस एरिया में वोटिंग होता है देन हंड्रेड में से जो फोर्टी पीपल थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट देते हैं हंड्रेड में से जो थर्टी पीपल थे वो सी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को वोट देते हैं एंड हंड्रेड में से ऐसा थर्टी पीपल थे जो की एस यानी कि सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट को वोट देते हैं सो इस इलेक्शन का रिजल्ट आपको क्या दिख रहा है किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला है सो ऑफ कोर्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो कांग्रेस पार्टी है उसी को सबसे ज्यादा वोट मिला है सो so, 100 में से जो 40 वोट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही मिला है दैट मींस कि इस इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस को सीट मिल जाएगा सो so, इसी इलेक्टोरल मेथड को फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड कहा जाता है सो so, इस इलेक्टोरल मेथड में जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिलता है एज कम्पेयर टू द अदर अपोजिशन पार्टी सो वही पार्टी इलेक्शन में जीत जाता है उसी पार्टी को सीट मिल जाता है सो so, जैसे कि इस केस में हमने ये देखा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था सो so उसको सबसे ज़्यादा वोट मिले उसको फोर्टी वोट मिला सो so इसी लिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इस इलेक्शन को जीत जाता है सो so, इस केस में अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस को इवन थर्टी वन वोट मिलता देन थर्टी वोट के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही इस इलेक्शन को जीत जाता सो फर्स पास सिस्टम मेथड में यह नहीं देखा जाता है कि किस पार्टी को 50 परसेंट से ज्यादा वोट मिला बल्कि यह देखा जाता है कि किस पार्टी को दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज के कंपैरिज़न में ज्यादा वोट मिला सो so, अगर आप इस केस में वोट के परसेंटेज को देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ फोर्टी परसेंट ही वोट मिलता है अगर आप दोनों ही अपोजिशन पार्टीज के वोट वोट को कंबाइन कर दो 60 जो वोट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं मिलता है यानी कि इस केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सिक्सटी परसेंट पॉपुलेशन थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट नहीं करते हैं वो नहीं चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मेंबर है जो कैंडिडेट है वो इस इलेक्शन को जीते सिर्फ और सिर्फ फोर्टी परसेंट ही ऐसे पीपल थे जो कि ये चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मेंबर है वो इस इलेक्शन को जीते so, पे आपको इतना बड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा बट इतने बड़े डिफरेंस के बावजूद भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही जीत जाता है सो so, इसी इलेक्टोरल मेथड की वजह से तीनों ही जनरल इलेक्शन में तीनों ही लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी इतनी सारी सीट्स को जीत जाती है इवन वोट्स उनको सिर्फ सिर्फ फोर्टी फाइव परसेंट ही मिलता है सो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा सो नाउ नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि ये जो इलेक्शन का मेथड है ये जो इलेक्शन का सिस्टम है जिस सिस्टम को हमारी कंट्री ने अडॉप्ट किया है सो so, इस सिस्टम में कोई भी जो पार्टी होता है सो so अगर उस पार्टी को दूसरे अपोजिशन पार्टीज के कंपैरिजन में ज्यादा वोट मिलता है सो so जितना परसेंटेज ऑफ उन्हें वोट मिलता है सो so उस वोट्स के परसेंटेज से भी ज्यादा उनको प्रोपोर्शनल शेयर मिलता है यानी कि उस वोट के परसेंटेज से भी ज्यादा उनको सीट्स मिलता है सो so, ये सिस्टम एग्जैक्टली कांग्रेस पार्टी के फेवर में वर्क करता है इसी सिस्टम की वजह से कांग्रेस पार्टी को वोट्स तो कम मिल रहे थे बट वोट्स कम मिलने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को सीट्स बहुत ज्यादा मिल so, रहा था सो कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अपने अपोजिशन पार्टीज के कंपैरिजन में ज़्यादा वोट्स को सिक्योर करना था एंड हर एक जब इलेक्शन हो रहा था हर एक कॉन्स्टिट्यूवेंसीज में सो so, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस पार्टी के जो भी मेंबर्स थे सो वे लोग अपने अपोजिशन पार्टीज के कम्पेरिजन में ज्यादा वोट्स को सिक्योर कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें सीट मिल रहा था सो इसी वजह से लगभग सेवेंटी जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी को ही मिल रहा था तीनों ही जनरल इलेक्शन में सो so, अगर हम लोग नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स के वोट्स को ऐड कर देन वो बेसिकली कांग्रेस का जितना भी वोट है उससे ज्यादा होगा so, जैसे कि अभी मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाया कि अगर हम लोग नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स के वोट को कंबाइन कर देन जो टोटल वोट होगा वो बेसिकली जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जितना वोट मिला है सो so उससे ज्यादा होगा बट होता क्या है कि जितने भी नॉन नॉन कांग्रेस कांग्रेस कैंडिडेट्स को वोट वोट मिलता है है so सो जो होता वो बेसिकली डिवाइडेड होता है बिटवीन डिफरेंट राइवल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स यानी कि अलग अलग पार्टीज के बीच में वो जो मेंसेंट ऑफ वोट था वो डिवाइडेड था सो so इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को ही मेजोरिटी ऑफ वोट मिलता है एंड इसी वजह से जो कांग्रेस पार्टी है वो हर एक जनरल

सो so, उस स्टेट असेंबली इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी की विक्ट्री होती है कम्युनिस्ट पार्टी की जीत होती है सो so, इस टॉपिक में हमें कम्युनिस्ट पार्टी की विक्ट्री के बारे में ही बता रखा है इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन केरला सो so, जब 1957 में केरला स्टेट में स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है एंड जब इस इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होता है देन कांग्रेस पार्टी को केरला स्टेट में डिफीट के बिटेड टेस्ट को फील करना पड़ता है यानी कि हिंदी में कहते हैं ना कि हार का जो करवा स्वाद होता है उसको चखना पड़ता है सो so, कांग्रेस पार्टी को केरला में नाइनटीन के स्टेट असेंबली में डिफीट मिलता है यानी कि हार मिलता है सो so, मार्च 1957 में केरला स्टेट में जो स्टेट असेंबली इलेक्शन को हेल्ट करवाया गया था सो so, उस इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी केरला लेजिस्लेचर में लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स को जीतती है सो कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग 126 सीट्स में से 60 सीट्स को जीते थे एंड इसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी ने फाइव इंडिपेंडेंट के सपोर्ट को भी सिक्योर किया था यानी कि एज आई ऐसा की कम्युनिस्ट पार्टी ने कोलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म किया था जो डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट है सो so, ये कम्युनिस्ट पार्टी ने पांच इंडिपेंडेंट के साथ ही बनाया था सो so, गठबंधन के द्वारा कोलेशन के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी स्टेट असेंबली इलेक्शन को जीत जाता है so, सो स्टेट के जो गवर्नर थे सो so, गवर्नर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर जिनका नाम था ई एम एस सो पद उनको इनवाइट करते हैं अपनी मिनिस्ट्री को फॉर्म करने में सो so, ये ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में ही पहली बार ऐसा था फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जब कोई कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट को पावर मिलता है जब कोई कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट पावर में आता है थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन सो so, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि आपको वर्ल्ड में भी कई सारी कम्युनिस्ट पार्टी देखने को मिलेगा सो so, पूरे वर्ल्ड में ऐसा पहली बार था जब किसी एक कम्युनिस्ट पार्टी को पावर मिलता है थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन सो so, जब कम्युनिस्ट पार्टी केरला स्टेट में जीत जाती है तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो मेम्बर्स थे उनको बुरा लगता है उनको जब फर्स्ट टाइम डिफीट मिलता है पूरी कंट्री में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था पूरी कांग्रेस so 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 गवर्नमेंट था सेंट्रल लेवल पे सो so कांग्रेस गवर्नमेंट ने कम्युनिस्ट पार्टी को या फिर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया केरला में अंडर आर्टिकल थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो आर्टिकल थ्री बेसिकली एमरजेंसी पावर के साथ डील करता है सो आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है किसी भी स्टेट के ऊपर सो so जब किसी भी स्टेट में कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है जब कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है देन उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है जिसमें प्रेसिडेंट डायरेक्टली रूल करता है एंड उस स्टेट का जो भी स्टेट गवर्नमेंट होता है सो so उसको डिसमिस कर दिया जाता है सो नाइनटीन हंड्रेड में सेंटर में जो कांग्रेस गवर्नमेंट था सो कांग्रेस गवर्नमेंट केरला में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था उसको डिसमिस कर देता है अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बेसिकली प्रेसिडेंट रूल के साथ डील करता है सो so, ये जो डिसीजन था कांग्रेस गवर्नमेंट था सो so इसको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल माना जाता है एंड साथ ही साथ लोगों के द्वारा ये भी मैंशन किया गया ये भी कहा गया कि ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर का मिस किया गया है सो so, ये इमरजेंसी पावर के मिसयूज का पहला एग्जाम्पल है सो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में आपको और भी कई सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जिन सारे केसेस में बेसिकली इमरजेंसी पावर का मिस किया गया है बट अगर हम लोग पहले केस की बात करें पहले एग्जाम्पल की बात करें सो नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन में जब कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा केरला स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को लगाया जाता है अंडर आर्टिकल सो ये पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी पावर के मिस यूज का सो विद दिस हमारा सेकेंड टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से कम्प्लीट होता है बहुत ही डिटेल वे में हम लोगों ने सेकेंड टॉपिक को डिस्कस किया साथ ही साथ कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला ये वाला जो टॉपिक था so इसको भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया सो आई होप कि आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा एंड नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है देन फर्स्ट पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो so अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए देन प्लीज कमेंट में डाउन एंड अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप ऐसे ही दूसरे भी चैप्टर्स के वीडियोज को देखना चाहते हैं सो नाउ सी ऑल्सो इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय स्टेट यून विथ माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो